अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर है आप लोग का 50, ठीक है। पेज नंबर 50 पे हम लोग कर रहे हैं पार्ट एच, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीपोजिशन करनी है। प्रीपोजिशंस को हम लोग उर्दू में बोलते हैं हरफे जार। क्या बोलेंगे? हरफे जार। हरफे जार आप लोग उर्दू में पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, ये नीचे फिलअप्स दिए हैं हमें, हम लोगों ने इसको सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करना है। रीड करके तो हमने इसमें प्रीपोजिशंस वर्ड्स जो होंगे उसे हमने यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन हम क्या कहते हैं? किसी एक इसम या इसमें ज़मीर का दूसरे इसम या इसमें ज़मीर से तअल्लुक बयान करते हैं। मीन्स कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, अगर आपके सेंटेंस में एक नाउन है तो उसका दूसरे नाउन के साथ जो हम लोगों ने रिलेशन करना है, रिलेशन को बयान करना है। अगर आपके एक सेंटेंस में एक प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के साथ जो तअल्लुक बयान करना होता है उसके साथ हम प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं जो उनका तअल्लुक बयान करता है। ये था हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। अब हम लोग अब फिलअप्स में करते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। द मून रिवॉल्व्स, ठीक है, चांद रिवॉल्व्स में घूमता है, डैश द अर्थ ज़मीन के। स्टूडेंट्स देखें, मून जो है ये भी हमारा नाउन है, अर्थ जो है ये भी नाउन है, ज़मीन भी नाउन है, चांद भी नाउन है। अब ये भी हमारे पास नाउन है, दोनों नाउन है। एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ हम लोगों ने तअल्लुक बयान करने के लिए हमने प्रीपोजिशन लगानी है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। अब चांद घूमता है ज़मीन के गिर्द, अब गिर्द क्या होगा? अराउंड। और जो अराउंड वर्ड होगा ये हमारा प्रीपोजिशन वर्ड होगा। अराउंड की स्पेलिंग है ARROUND। अराउंड का मतलब क्या होता है? इर्द गिर्द घूमता है या ज़मीन के गिर्द घूमता है। स्टूडेंट्स, दोनों का रिलेशन किसने कायम किया है? अराउंड ने, मीन्स की प्रीपोजिशन वर्ड ने। अब हम पूरा वर्ड क्या होगा? चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। नेक्स्ट हमारे पास अ फेयर, एक खूबसूरत, लिटिल बॉय, छोटा लड़का, सेट बैठा, सीट की सेकंड फॉर्म है सेट बैठा, डैश अ ट्री, एक दरख्त के। अब एक दरख्त के नीचे कैसे बैठना है? एक छोटा खूबसूरत लड़का, ठीक है, दरख्त के नीचे बैठा है, दरख्त के नीचे बैठा है। स्टूडेंट्स, बॉय जो है ये भी नाउन है, ट्री जो है ये भी नाउन है। अब दोनों नाउन का हमने रिलेशन कैम करना है कि जो लड़का है वो दरख्त के नीचे बैठा है। तो इन दोनों का रिलेशन हमें बयान करने के लिए हमें प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करना होगा। तो हम लोग ट्री के नीचे लिखेंगे अंडर अ ट्री, प्रीपोजिशन वर्ड राइट करेंगे। अंडर की स्पेलिंग है UNDER, अंडर। अब पूरा क्या होगा? अ फेयर लिटिल बॉय सैट अंडर अ ट्री, एक छोटा खूबसूरत लड़का दरख्त के नीचे बैठा। हम्प्टी डम्प्टी सैट डैश अ वॉल, ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी सैट डैश अ वॉल, एक दीवार पर बैठा, ठीक है। यहाँ पे है हम्प्टी डम्प्टी सैट बैठा डैश अ वॉल, एक दीवार पर। और स्टूडेंट्स, ये पर जो है ये उर्दू में किसका है? ऑन का। और ऑन जो होगा वो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड होगा। यहाँ पे क्या आएगा? ऑन, ओ एन ऑन। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, के हम्प्टी और डम्प्टी जो है वो एक दीवार पर बैठा है। शी इज़ अफ्रेड, वो खौफजदा है, डैश द डॉग, कुत्ते से। अब वो कुत्ते से खौफजदा है तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग डैश यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। स्टूडेंट्स, कल से हो रही है, ठीक है। तो इट हैज़ बिन रेनिंग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। आई लेफ्ट हिम ओवर, मैंने उसे छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिंस वर्ड है, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। सिंस जो है वो आपका प्रीपोजिशन वर्ड भी है। ये जितने वर्ड्स मैंने 5 वर्ड्स प्रीपोजिशन के यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। और ये एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ तअल्लुक बयान करते हैं। तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं।
ये था हमारे प्रपोजिशन प्रोसेस. नेक्स्ट जो है वो हमारा है आई वाला है, सेपरेट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट देम इन रेलिवेंट कॉलम. स्टूडेंट्स ये जो हमें रेलिवेंट दिए गए हैं वर्ड्स नाउन्स दिए गए हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो मिक्स किए हुए हैं. इसको हमने काउंटेबल वाले निकाल के काउंटेबल में राइट करने हैं, अनकाउंटेबल वाले हमने अनकाउंटेबल में राइट करने हैं. स्टूडेंट्स शुगर है तो शुगर के आप जो दाने होते हैं शुगर को, चीनी को आप लोग काउंट नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे कि आप जिसकी गिनती कर सकें, काबिले शुमार असमा. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ना काबिले शुमार असमा, मीन्स के जिसे आप लोग काउंट गिनती नहीं कर सकते, जिसकी आप तो से आपको कहेंगे अनकाउंटेबल हो. स्टूडेंट्स जैसे कि आयल है, आयल आप घी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं. बेशक उसके पैकेट्स जो होते हैं वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो आयल है उसका तो उसे आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. शुगर को आप लोग नहीं कर सकते हैं, साल्ट को आप लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, वाटर को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि उसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स. स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन किस तरह होते हैं, बुक्स हैं जैसे है कि आप काउंट कर सकते हैं, रजिस्टर्स हैं आप लोग काउंट कर सकते हैं, आप लोग के पास पेन्स हैं वो उसे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह की जैसे जिससे कि आप कप वगैरह चाय पीते हैं, कप के को कर सकते हैं काउंट आप, तो उससे जिस चीज़ों को आप जिन चीज़ों की आप गिनती कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास शुगर वर्ड है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शुगर वर्ड होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, क्योंकि हम उसे काउंट मीन्स उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं. तो शुगर को हम अनकाउंटेबल वाले नाउन्स में राइट कर देंगे शुगर. नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, रुपीज़ है. रुपीज़ को आप काउंट कर सकते हैं पैसों को, तो इसके लिए ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन, आर यू पी डबल ई एस. नेक्स्ट पेंस है. स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया पेंस को आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेंस. पेंसिल्स है. नेक्स्ट पेंसिल्स को आप काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट साल्ट है. साल्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. नमक को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम साल्ट को इधर राइट कर देंगे. नेक्स्ट टी है. टी चाय को आप लोग उनके नहीं काउंट कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए भी हम टी जो है वो अनकाउंटेबल है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर जो है, वाटर भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है. पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं. कप है, कप को आप काउंट कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है. स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. आप लोगों ने गिनती करके देख सकते हैं कि आप जिन चीज़ों की गिनती कर सकते हैं उसे आप लोगों ने काबिले शुमार असमा मीन्स के काउंटेबल नाउन बोलना है, जिन चीज़ों की आप गिनती नहीं कर सकते हैं तो उसे आप लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 151. पेज नंबर 51 पे हमारे पास है जे वाला पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो. ये नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है और अपने सूटेबल आप लोग सेंटेंसेस के हिसाब से जो सूटेबल होगा वो आप लोगों ने इसमें राइट करना है. यू शुड ऑलवेज फुलफिल योर डैश. तुम्हें हमेशा अपना पूरा करना चाहिए. क्या करना चाहिए, प्रॉमिस. तुम्हें हमेशा अपना वादा पूरा करना चाहिए. स्टूडेंट्स प्रॉमिस यहाँ पर राइट कर देंगे, पी आर ओ एम आई एस ई, प्रॉमिस, कि तुम्हें हमेशा अपना वादा पूरा करना चाहिए. गो एंड डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. जाओ और मेरे लिए पानी का एक गिलास ब्रिंग लेकर आओ. गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या हो जाएगा, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कि जाओ और मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ. ही वॉज प्लेइंग डैश इन द प्ले ग्राउंड. ठीक है, वो मैदान में क्या खेल रहा है, वो खेल के मैदान में डैश खेल रहा था. यहाँ पे क्या है, हॉकी. ही वॉज प्लेइंग हॉकी इन द प्ले ग्राउंड. वो खेल के मैदान में हॉकी खेल रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉकी, एच ओ सी के ई वाई, हॉकी. यू शुड नॉट डैश ऑन अदर्स. तुम्हें दूसरों की नहीं देनी चाहिए, तुम्हें दूसरों को नहीं देनी चाहिए. क्या नहीं देनी चाहिए, पेन, तकलीफ. यू शुड नॉट पेन ऑन अदर्स, तुम्हें दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, पी ए आई एन, पेन. वी मस्ट हेल्प द पर्सन हूज डैश इज़ इन डेंजर. हमें उस शख्स की मदद करनी चाहिए जिसकी डैश खतरे में हो, जिसकी जिंदगी खतरे में हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइफ. वी मस्ट हेल्प द पर्सन हूज लाइफ इज़ इन द डेंजर. हमें उस शख्स की मदद करनी चाहिए जिसकी ज़िंदगी खतरे में हो. स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने करने हैं. नेक्स्ट आप लोग डायरी मेंशन कर लें. डायरी आप लोगों की क्या है, पेज नंबर है 50, 51. ठीक है,
पार्ट है HIJ, आप लोगों ने ये लर्न भी करना है प्लस राइट।